हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप रील्स पर कैसे काम कर सकते हैं। ये रील्स का पार्ट वन वीडियो है। अगर आपको पार्ट टू वीडियो भी देखना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना है। पार्ट टू वाला वीडियो मैं आपको कल ला के दूंगा। अगर आप इस डेट से आगे वाले डेट में देख रहे हैं, ये वाला डेट से आगे वाले डेट में अगर देख रहे हैं तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी पार्ट टू वाला वीडियो भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रील्स जो है, रील्स से आप कैसे बोनस ले सकते हैं, रील्स से अपने पेज को वायरल कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है रील्स का पार्ट वन वीडियो देने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बना रखा है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, नोट पैड में, यहाँ पर आपको नोट पैड में दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं जो है यहाँ पर कैटेगरी बना रखा है, यहाँ पे पहले लिखा है मैंने कि कैटेगरी चूज एनी YouTube, Facebook, एनी शॉर्ट प्लेटफॉर्म। आप किसी भी कैटेगरी को चूज कर सकते हैं, आप गर्ल्स की वीडियो को चूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, वायरल वीडियो को चूज कर सकते हैं, आप YouTube लॉन्ग वीडियो को, ब्लॉग वाले वीडियो को चूज कर सकते हैं, उससे आप शॉर्ट को एडिट कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी शॉर्ट जो अपलोडेड है इन सभी शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर उसे उठाकर आप जो है रील्स के लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ये कैटेगरी वाली बात। अब कैटेगरी, अब आपको शॉर्ट्स कितने प्लेटफॉर्म है, कहां कहां से आप ले सकते हैं, उसको मैं भी यहां छोटा सा एक झलक दे देता हूं कि कहां कहां से आप शॉर्ट चाहे तो ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है सर्च कर रखा है, यहां पे देखे तो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखे फ्रेंड्स, मैंने जो है यहाँ पर निकाल रखा है, यहाँ पर देखे लिस्ट ऑफ इंडियन शॉर्ट वीडियो ऐप्स ओवरव्यू, टॉप 10 शॉर्ट वीडियो ऐप्स जो है यहाँ पे लिस्टेड किए गए हैं। जैसे कि नंबर वन में इंस्टाग्राम है, टू में है मोज, थ्री में एमएक्स टकाटक, फोर में है यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद है रोपोसो, स्नैपचैट, जीली, शेयर चैट, जॉस शॉर्ट वीडियो ऐप और फेसबुक शॉर्ट। तो यहाँ पे इसको छोड़ के आप चाहे तो यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म आपको ऊपर में दिख रहे होंगे, इन सभी से आप चाहे तो डायरेक्ट शॉर्ट उठा सकते हैं और उसमें थोड़ा एडिट करना है, आपको एडिटिंग करना है और उसके बाद अपने फेसबुक पेज पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। ये तो हो गई हमारी कंटेंट उठाने वाली बात। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम इसी नोटपैड में विजिट करेंगे और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसके बाद मैंने लिखा है टाइमिंग। टाइमिंग में अगर देखें तो यहाँ पर आपको टाइमिंग मैंने जो पहला टाइमिंग दिया है 6 to 10 AM, यानी कि ये जो टाइमिंग है ये हमारा सुबह वाला टाइमिंग है, और ये जो है 4 to 8 PM ये हमारा शाम वाला टाइमिंग है। तो आप चाहे तो इस टाइमिंग में वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और या फिर इस टाइम में आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा आपको 4 से 8 वाले में अगर आप अपलोड करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसी टाइम में ज़्यादा वीडियो वायरल होते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे टेस्ट करके देख लिया है। आप चाहे यूट्यूब पर शॉर्ट अपलोड करें, आप चाहे फेसबुक पे करें, इसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स आपको जो है शॉर्ट देखने के लिए जो है अपने मोबाइल हाथ में लेते हैं, क्योंकि इसी टाइम में ज़्यादा लोग जो है फ्री होते हैं, क्योंकि 4 बजे जो है ऑफिस में भी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद सभी घर में बैठे रहते हैं, तो इसी टाइम में ज़्यादा शॉर्ट्स देखे जाते हैं। इस टाइम में अगर आप देखें तो इस टाइम में शॉर्ट्स कम देखे जाते हैं और इस टाइम में ज़्यादातर जो है किड्स शॉर्ट्स देखते हैं, और इस टाइम में किड्स के साथ साथ बड़े लोग भी, यानी कि सीनियर लोग भी यहाँ पर शॉर्ट्स देखते हैं। तो आप चाहे तो इन दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी टाइमिंग में आपको जो है पॉसिबल हो शॉर्ट्स को अपलोड करना, उसी टाइमिंग में आप अपना जो है शॉर्ट वीडियो को रेडी करें और इस टाइम में आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद मैंने जो लिखा है यहाँ पे कैटेगरी सेम होना चाहिए। कैटेगरी मान लीजिए कि आपने गर्ल्स वाले का चूज किया, तो आपको जो भी वीडियो अपलोड करना है गर्ल्स रिलेटेड ही अपलोड करना है, गर्ल वाली वीडियो ही अपलोड करना है। डांस वाला पे आपने टॉपिक चूज किया तो डांस वाला ही आपको अपलोड करते रहना है। कोई आप फैक्ट वीडियो चूज किए हैं तो आपको फैक्ट वीडियो ही अपलोड करते रहना है। कोई भी आप वीडियो, यानी कि एक कैटेगरी को आपको चूज करना है और उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको डेली जो है उसी कैटेगरी में वीडियो को ढूंढना है और उसी कैटेगरी से आपको वीडियो अपलोड करना है। और यहाँ पे मैंने तीसरे में जो यहाँ पे लिखा हुआ है डेली 2 to 4 रील्स, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको 2 से 4 रील्स आपको डेली देने ही देने हैं। अगर इससे कम देंगे तो आपके रील्स ज़्यादा वायरल नहीं जाएंगे, इतना आपको देना ही चाहिए। कम से कम आप 2 रील्स अपलोड करेंगे ही करेंगे, एक एक घंटे के अंतराल पे आप चाहे तो कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक वीडियो सुबह में डालें और
और दूसरा वीडियो जो है शाम में डालें, तो ऐसा करके भी आप जो है रील्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रील्स पे वर्क करते हैं तो रील्स पे ही वर्क करें, रील्स ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होते हैं और लॉन्ग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल नहीं होंगे। लॉन्ग वीडियो के लिए आपको जो है रेंटेड ग्रुप ही चाहिए, और रील्स को अगर आप बिना ग्रुप के भी करेंगे तो बिना ग्रुप के भी रीच जो है फेसबुक बढ़ा देता है। अगर रील्स को भी आप शेयरिंग देंगे रील्स को रेंटेड ग्रुप में, तो बहुत जल्दी रील्स जो है आपका वायरल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है एडिटिंग। तो एडिटिंग जो है, एडिटिंग मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हमारा जो है पार्ट वन वीडियो है। अभी तक आपने जो अभी तक मैंने जो आपको बताया, ये हमारा पार्ट वन वीडियो है। पार्ट टू वीडियो में मैं इसको कैसे एडिट करना है, मैं अलग अलग टाइप्स का रील्स लूँगा, 3-4 रील्स लूँगा, और मैं बताऊँगा कि कौन से रील्स पर आपको क्या करना है। आपको अच्छी तरह से मैं 3-4 रील्स का कैटेगरी, 3-4 कैटेगरी वाले रील्स लूँगा और उसमें मैं आपको अच्छी तरह से बता दूँगा, ताकि आपको कैटेगरी चूज करने के बाद उसे एडिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं इस भी वीडियो में उसे सिखाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि एडिटिंग मस्ट है। एडिटिंग ही जो है आपको रील्स को रीच बढ़ाएंगे, एडिटिंग से ही आप कॉपीराइट से बचे रहेंगे। तो एडिटिंग मैं आपको पार्ट टू में सिखाऊंगा। तो अभी इस वीडियो को रहने देते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझसे ग्रुप भी ले लेते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है और आप हमारे चैनल से कुछ नया हर दिन सीखते रहते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आपको ये पार्ट वन वीडियो अच्छा लगा है तो पार्ट टू का वेट जरूर करें। यहाँ पे आप डेट देखेंगे तो आज यहाँ पे 10 मार्च है, और ये 10 मार्च वाला वीडियो जो है मैं 11 मार्च को अपलोड करूँगा, और जो 11 मार्च को मैं इस एडिटिंग वाले वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड करूँगा अच्छी तरह से, आपको जो बताऊँगा एडिटिंग सिखाऊँगा, रील्स कैसे एडिटिंग करेंगे आप, तो वो वाला वीडियो जो है आपको 12 मार्च को देखने को मिलेगा। तो हमारे इस पार्ट टू वाले वीडियो को जरूर वेट करें। तो पार्ट टू वीडियो का जरूर आप वेट करें, क्योंकि इस पार्ट टू वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दे दूंगा रील्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड कोई इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।